बोलिए। हाँ सर, मेरा नाम मंसीराम है, मैं मतलब पटलाई का रहने वाला हूँ, जाति खेल गाँव पटलाई, पंचायत कुकावास, तहसील कोटा, जिला उदयपुर। ठीक है सर, हम मतलब ये अजीत कौन, ये मेरे मामा के चौरे हैं, उनको मारे थे तो हम गए पुलिस थाने में। ठीक है, थाने जाके एफ आई दर्ज करवा के वापस इनको ज्यादा शॉट आई थी, इसलिए वापस पोसीना ले जा रहे थे। ठीक है, पोसीना ले जा रहे के मतलब ले जाके इलाज करवा के फिर वापस आए। फिर ये रेणी है और इनके पार्टी के ग्रुप है, आदमी है, ये मतलब मेरे ऊपर धमकी दे रहे हैं, मुंशी राम तू भी मार खाएगा, मार तक खाऊंगा, बाकी किस तरह से लोगों को सब तक ऐसे कैसे मारेंगे, यही बात है भाई साहब। ये हो सके मतलब आगे तक कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सब कब से चलता आ रहा है? ये सर देखो, मतलब ये मान लो 8-10-15 साल हो गई है, जब मेरे जन्म भी नहीं हुआ जब से ये चल रहा है सर। बाकी देखो यार, इतने सारे लोगों कैसे ये मारते ही हैं, कोई देते तो है नहीं ये लोग, यही बात है। तो ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? देखो इन लोगों के कोई ना कोई मतलब कोई कारण वजह तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है ना सर, उनको कोई बस सिर्फ कोई ना कोई बहाना गलती ढूंढ लेते हैं, और गलती की वजह से मैं गया उनके साथ में, भाई तू कैसे गया, यूं करके लोगों को मारते हैं। और यही है गाड़ियाँ, कोई कोई बंदा अगर गाड़ी वाला भी गाड़ी ले जाता है तो उनको बोलते भाई तू गाड़ी कैसे ले जा रहा है, उनको मतलब इनको यही है भाई, गाड़ी वाला गाड़ी भी नहीं ले जा, उन लोगों को मरने दो, यही है इनके बात, और तो क्या है। तो पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई? पुलिस के भाई साहब देखो कार्रवाई, देखो हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी, पुलिस थाने वाले अफिसर से फादर साहब से बात भी की। ठीक है ना सर, बाकी तो भी इनके खिलाफ क्या पता वो कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, वो तो राम जाने। ठीक है ना सर, देखो हम तो कहते हैं, देखो अगर हमारे को ऐसी ऐसी मतलब घटना हो रही है, हमारे मतलब ये 3-4 गांव ऐसे ही हैं, मतलब हम हर समस्या से परेशान है, कोई भी काम हो कुकास पंचायत के अंदर अगर हम वहाँ जाते हैं तो हम मतलब ज़्यादा उठ के बात भी इन लोगों के सामने कर नहीं सकते हैं। अगर ज़्यादा उठ के बात करते हैं तो ये लोग क्या दूसरे डाकुओं को बोल देते हैं, चलो ये ज़्यादा बात कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी धमकी लगाओ मारो, यही होता है और क्या होता है। ये हमारी कुकास पंचायत की यही घटना है और बहुत बड़ी समस्या है ये हमारे लिए। देखो कोई बंदा अगर आगे बढ़ना चाहता है, उन बंदे को आगे बढ़ने ही देते नहीं है। राजनीति के तरफ से देखो, राजनीति के तरफ से कहने जाता हूँ मैं, मुंशी राम हूँ, और अगर एक बार ये वक्त राम और ये मुकेश जी दोनों ये सगे अंकल मतलब काका और भतीजे हैं, ठीक है, इनके ये मतलब इलेक्शन हुए थे जिस समय ये मुकेश से मतलब सरपंच में जीता था, ठीक है, जिस समय भी मैं चलो जीता है तो यार अपने सरपंच है अपने गाँव का है, ठीक है। फिर मैंने बोला यार भाई साहब, फिर जीतता है उनको तो राम राम ही करते हैं, कोई भी पार्टी के पहले आपने वोट दिए नहीं दिए वो कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। फिर मैंने मतलब उनको राम राम की, फिर तुरंत मेरे को 2 जाफर लगाए थे मुकेश ने, ये हमारा सरपंच भी है कि ये भी मतलब ये गुंडों से मिला हुआ रह गया, तो ये भी गुंडा ही है और एक तरह का, तो आपने उनको मिलते हैं तो भी जाफड़ लगा, तो ये कौन सा सरपंच है ऐसा। और ये उचित मूल्य के दुकान पे जाते हैं गेहूँ लेने, 4-5 दिन लोग मतलब रखते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा उठ के बोलता है उनको मारने के लिए धमकी देते हैं ये, और इनके सामने को बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। 2 महीने 3 महीने हो जाते तब 1 महीने गेहूँ मिले, 3 दिन में गेहूँ देते हैं, 3 दिन के अंदर गेहूँ दिए तो बाहर नहीं दिए तो खेल खत्म, उठ के बोलते हैं उनको बस, और उठ के ज्यादा बोलता है उनको मार खानी पड़ती है, कौन बोलेगा इनके सामने। तो पुलिस नई कार्रवाई करती है क्यों? पुलिस देखो सर, हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी 10 बार मतलब कोई भी हमारे इधर का होता है तो हम पुलिस थाने में रिपोर्ट तो देते ही हैं, बाकी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। क्या पता इनके ऊपर से कोई अफसर ऐसे हैं कि इनके कोई राजनेता ऐसे हैं, कोई इनको तो कारणवंश होगा, इनके पीछे भी कोई राज है, ये बात है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो सर चाहते हैं, देखो हमारे को तो एक तरफ से हमारे को अगर ये हमारे पास में सिरोही जिला भी पड़ता है, हमारे को हो सकता है तो इस पंचायत के हटा के हमारे को सिरोही जिला में जोड़े तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, हमारे को यहाँ सरकार प्लान करके कहीं और जगह पर शिफ्ट कर दे। हम मतलब इतने मार खा खा के मतलब इन लोगों के बीच में काम मतलब कैसे काम कर सकते हैं। अगर कोई भी बंदा हमारे कोई दोस्त है, कोई भी आगे कोई पढ़ा लिखा ज्यादा इंसान है, कोई भी काम करता है गवर्नमेंट कर्मचारी, देखो उन लोगों को पैसा को मतलब ये पैसे लेके आ रहे थे तो लोग इन लोगों को इतना मारे, अगर हमारे लोगों को आगे बढ़ना है देना नहीं चाहते ये लोग। तो आप चाहते क्या हैं अभी? हम तो ये चाहते हैं उनकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो हम आगे तक भी कार्रवाई करेंगे। तो अब तक कहाँ तक आप लोग जाके आए हैं अपने मींस ये जो आपको समस्या आ रही है इसके लिए? समस्या आई है इस समस्या को लेकर तो हम आगे तक भी जाएंगे, हमने थाने में रिपोर्ट दी है, अगर थानेदार साहब क्या जवाब देता है नहीं देता है तो फिर हम कोटरा डिप्टी के पास जाएंगे, डिप्टी नहीं कर रहे तो आगे भी जा सकते हैं। ठीक है।